स्वागत है आपका फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर आसमान में दो चांद एक साथ उगाए? क्या उसकी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी या फिर वो दोनों चांद आपस में टकरा जाएंगे, जिसकी वजह से शायद इंसान को आसमान में एक बड़ा धमाका देखने को मिले? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए फैक्ट वेरीफाइड की इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि जितने ज्यादा चांद होंगे उतने ही ज्यादा हम लोगों को आकाश में ग्रहण देखने को मिलेंगे, और अगर बदकिस्मती से वो दोनों चांद आपस में टकरा जाते हैं तो उसकी वजह से पृथ्वी पर काफी सारे उल्का पिंड की बारिश होने लगेगी, जिनके बीच खुद को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर वो आपस में टकराते भी नहीं है तो भी आपको आपकी जिंदगी में काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि रात का अंधेरा पहले से ज्यादा ब्लिक नहीं होगा, बल्कि आप रात के अंधेरे में भी अपनी आंखों से अच्छे से देख पाओगे। आपको ये तो पता होगा कि समुद्र की लहरों के उठने का कारण चांद ही होता है, इसीलिए जब भी आसमान में दो चांद होंगे तो लहरें पहले से काफी ऊंची होगी, जो कि उन लोगों के लिए बुरी खबर है जिन्हें लहरों पर सर्फिंग करना काफी पसंद है। और ये भी हो सकता है कि लहरें इतनी ज्यादा बड़ी हों जिससे समुद्र में सुनामी आ जाए, जो कि किनारों पर रहने वालों के लिए काफी ज्यादा परेशानी की बात है। और मुंबई, चेन्नई, गोवा जैसे बड़े शहर समुद्र के किनारे होने की वजह से बाढ़ से घिरे रहेंगे। अगर रिसर्चर्स की बात की जाए तो उन्हें अब अपना दिमाग एक चांद पर नहीं बल्कि दो चांद पर खोज करने पर लगाना होगा, और वहीं नासा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दो अलग अलग टीम बनानी होगी। वहीं स्टडी कर रहे स्टूडेंट्स को सिर्फ एक चांद के बारे में ही नहीं बल्कि दो चांद के बारे में पढ़ना होगा, और आपको पृथ्वी के मौसम में काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि मौसम इतना ज्यादा भयानक हो जिससे इंसानों और जीवों का खात्मा धरती पर से हो जाए, उसके बाद सिर्फ पृथ्वी पर सुनसान गलियां और खंडहर दिखाई देंगे। वहीं ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भयानक कभी ना हो, पर आपको एक बात मानना होगा, जब भी शाम को सूरज डालेगा तो आसमान में दो चांद का नजारा सच में काफी सुंदर होगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना अपने देश के लिए तीन ऐसे आर्टिफिशियल मून बनाने वाला है जो रात में पूरे शहर को रोशनी देने का काम करेगा। इससे पूरे शहर को स्ट्रीट लाइट की जगह आर्टिफिशियल मून से रोशनी मिलेगी, जो नॉर्मल चांद की रोशनी से 8 गुना ज्यादा ब्राइट होगा। पर इसके बुरे प्रभाव क्या होंगे यह किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चाइना द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल मून धरती के लिए फायदेमंद होगा या फिर इसकी वजह से हमें धरती पर तबाही देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो के नीचे एक लाल बटन, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।